हाय, दिस इज मेघना तिवारी एंड यू गाइस आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड हेल्प लाइन। बॉलीवुड की मॉडल एक्ट्रेस पूनम पांडे की मौत ने बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, पूनम पांडे जो कि हमेशा अपने विवादों की वजह से चर्चे में रहती है, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। महज 32 साल की उम्र में कैंसर की वजह से उनकी मौत हो गई है। पूनम पांडे के इंस्टाग्राम पर उनके टीम ने पोस्ट करते हुए लिखा है, यह सुबह हमारे लिए दुख भरी है। आपको बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमने अपनी प्यारी पूनम को कैंसर के कारण खो दिया है। हर व्यक्ति जो उनके संपर्क में था उनसे प्रेम मिला। इस दुख के समय में हम थोड़ी प्राइवेसी चाहते हैं। हम उनके द्वारा शेयर किए गए हर बात के लिए उन्हें प्यार से याद करेंगे। उनकी पीआर टीम ने इस न्यूज़ को कंफर्म किया कि पूनम पांडे अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी मौत उनके होम टाउन में हुई है। इस न्यूज़ के बाद बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा दुख का माहौल छाया हुआ है। हालांकि 4 दिन पहले ही पूनम पांडे एक इवेंट में नजर आई थी, जहां पर वो पेप्स के साथ मस्ती मजाक करते हुए नजर आ रही थी। इस न्यूज के आने के बाद उनके फैंस काफी ज्यादा दुखी हैं और सदमे में हैं, क्योंकि उन्हें ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि महज 32 साल की उम्र में पूनम पांडे ने हम सभी को अलविदा कह दिया। पूनम पांडे एक पॉपुलर मॉडल थी। वो अपने बोल्ड वीडियोस को लेकर हमेशा चर्चे में रहती थी, लेकिन वह तब मशहूर हुई जब उन्होंने वादा किया अगर भारत वर्ल्ड कप 2011 जीतता है तो वो अपने कपड़े उतार देंगे। आखिरी बार कंगना रनौत द्वारा होस्ट किए गए ओटीटी शो लॉकअप में नजर आई थी। बॉलीवुड हेल्पलाइन की पूरी टीम की ओर से पूनम पांडे को भावपूर्ण श्रद्धा।